हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं प्रिया खंडेलवाल प्रिया संघ पूजन चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आशा करती हूं कि महादेव की कृपा आप सभी पर बनी होगी। आज मैं इस वीडियो में दो पायों के बारे में बात करूंगी। गुरु जी की कथा सुनकर आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी, तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं कथा में सुनकर आप तक उन उपायों को पहुंचा सकूं। और कमेंट बॉक्स पर हर हर महादेव जरूर लिखें। आपको नींद नहीं आती, नींद ना आने की प्रॉब्लम है, बहुत दिनों से दवा खा रहे हैं, रात में जब भी बेड पे जाते हैं तो बेचैनी सी होने लगती है, सोने का मन भी नहीं करता, बिल्कुल रात भर आप आंखें खोल कर लेटे रहते हैं, तो यह उपाय आपके लिए ही है। तो बिल्कुल ध्यान से सुने और समझें आपको क्या करना है। सबसे पहले जान लेते हैं कि शिव जी की 5 पुत्रियां हैं, जया, विसहरा, सामलीवारी, दौतली, देव। ये 5 पुत्रियां हैं। शिव जी ने इन 5 पुत्रियों को आशीर्वाद दिया था कि ये 5 पुत्रियां निंद्रा की देवी के रूप में पूजी जाएंगी। तो आप जब भी बेड पे जाएं सोते टाइम पे, सबसे पहले आप अपना मोबाइल को साइड पर रखें और हाथ में जल ले लें, पीने वाला जल ले लें, और आप थोड़ा सा हाथ में ऐसे करके जल लें आचमन के लिए, और आप ऐसे जल पिए और सबसे पहली पुत्री का नाम लें जया का, तो जया। उसके बाद फिर आप दूसरी पुत्री का नाम लें, हाथ में फिर से जल लें विसहरा, आचमन करें। दूसरी तीसरी पुत्री का नाम लें सामलीवारी, आचमन करें। उसके बाद चौथी पुत्री का नाम लें दौतली, आचमन करें। पांचवी पुत्री का नाम लें देव, आचमन करें। इस तरीके से आपको 5 पुत्रियों का नाम लेते हुए जल का आचमन करना है, और उसके बाद आपको महादेव से प्रार्थना करनी है और महादेव के परिवार को प्रणाम करना है, और फिर आप आराम से सो सकते हैं। आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। आप 4-5 दिन ऐसा उपाय जरूर करके देखें। आप अपनी दवा को ना खाएं, दवा खाने से हमारे शरीर में नुकसान ही होता है कहीं ना कहीं, तो आप दवा बिल्कुल भी ना खाएं। आप एक बार यह उपाय जरूर करके देखें, महादेव की कृपा और महादेव की 5 पुत्रियों जो निंद्रा की देवी के रूप में पूजी जाती हैं, उनकी कृपा आप पर जरूर बनेगी और आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। तो ऐसा आप उपाय करके जरूर देखें। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय क्या है? यदि आपके कमर में दर्द है, क्या रीढ़ की हड्डी, जैसे किसी किसी की रीढ़ की हड्डी होती है उसमें गैप आ जाता है, और आपके घुटनों में बहुत दर्द रहता है, चल नहीं पाते, बहुत तकलीफ रहती है, घुटनों से आवाज कट कट से आती है, तो आपको उसका उपाय क्या करना है? आपको एक बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र के नीचे वाला जो भाग होता है डंडी वाला, उसको तोड़ लेना है, जो खूट जैसा होता है उसको तोड़ने के बाद आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर, और जहाँ पर जलाधारी में जो शिव जी की पुत्री हैं अशोक सुंदरी, उनका स्थान होता है, वहाँ पर उस डंडी को समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद आपको घर लेकर के उसको चबा चबा कर खाना है। करीब 5 दिन तक आप ऐसा उपाय रोज करें। रोज आप खूट को तोड़ें, डंडी को तोड़ें, और मंदिर में जाकर के अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करें थोड़ी देर तक। उसके बाद उसको चबा चबा कर 5 दिन तक खाएं। आप देखेंगे कि आपके घुटनों में दर्द में भी आराम मिलेगा और आपके कमर की रीढ़ की हड्डी में जो गैप आ गया है उसमें भी आपको आराम मिलेगा। तो ऐसा आप उपाय करें और आप महादेव की कृपा आप पर जरूर बनेगी और आपकी सारी ही परेशानियां दूर होंगी। हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स पर हर हर महादेव जरूर लिखें।